होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया, बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने फैला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की, माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे हो। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और ये कितना बड़ा कपड़ा, थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहां शीतला माता की पूजन करने आई और ये हो गई चंद्र घंटा, लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब, भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां का जो पूजन का विधान है, उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है। है क्या कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं, तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान करता है महाराज, शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्पादिक लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ। पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता। वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो, तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर।